हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, सुपरफास्ट नेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा कवि। एक नजर देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट में समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और विधि आयोग को भी नोटिस जारी किया था। अश्विनी उपाध्याय और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय और अन्य ने समान नागरिक संहिता को लेकर जनहित याचिका दायर की है। समान नागरिक संहिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी शुक्रवार को टिप्पणी करते हुए कहा था कि संविधान का निर्माण करने वालों को उम्मीद थी कि भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित कराने की कोशिश होगी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं, हालांकि व्यावहारिक रूप से आज उनके कामकाज का आखिरी दिन है। चीफ जस्टिस के रूप में रंजन गोगोई का कार्यकाल करीब 13.5 महीने का रहा। इस दौरान उन्होंने 47 फैसले सुनाए, जिनमें से कई ऐतिहासिक फैसले भी शामिल रहे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट जितेंद्र मोहन शर्मा ने कहा कि चीफ जस्टिस रहते हुए रंजन गोगोई ने कई अहम मामलों की सुनवाई की और फैसले सुनाए हैं। गोगोई को अयोध्या मामले, चीफ जस्टिस के ऑफिस को आरटीआई के दायरे में लाने, राफेल डील, सबरीमाला मंदिर और सरकारी विज्ञापन में नेताओं की तस्वीर प्रकाशित करने पर पाबंदी जैसे मामलों पर फैसला देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। महाराष्ट्र में भले ही राष्ट्रपति शासन लग गया हो, लेकिन सरकार बनाने के लिए जोर आजमाइश अब भी जारी है। तमाम पार्टियां लगातार बैठकें कर रही हैं और सरकार बनाने की कोशिश में जुटी हैं। तीनों पार्टियों के एक साथ आने पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि हमें नहीं लगता कि ऐसी सरकार बनेगी और अगर ऐसा होता है तो वो 6 महीने से ज्यादा सरकार नहीं चला पाएंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने ये बातें बीजेपी विधायकों के साथ बैठक में कही। बता दें कि बीते रविवार को बीजेपी ने स्वीकार किया था कि उसके चुनाव पूर्व गठबंधन को जनादेश मिलने के बावजूद वो महाराष्ट्र में सरकार बनाने में असमर्थ है। बीजेपी की ओर से सरकार बनाने में असमर्थता जताने के बाद राज्यपाल कोश्यारी ने शिवसेना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन शिवसेना ने बहुमत जुटाने के लिए निर्धारित समय से ज्यादा समय की मांग की है। राज्यपाल ने शिवसेना की मांग को दरकिनार करते हुए तीसरी सबसे बड़ी पार्टी एनसीपी को सरकार बनाने का न्यौता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के कारण पैदा हुआ संदेह का माहौल, टेरर फंडिंग, ड्रग्स की तस्करी और संगठित अपराध व्यापार को व्यवसाय को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि आतंकवाद के खिलाफ ब्रिक्स सेमिनार आयोजित किया गया है। हम आशा करते हैं कि ऐसे प्रयास और 5 देशों की गतिविधियां आतंकवाद और दूसरे संगठित अपराध के खिलाफ सशक्त सहयोग बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हमने अभी हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। हम चाहते हैं कि फिटनेस और सेहत के क्षेत्र में प्रगति के लिए ब्रिक्स देशों के बीच संवाद बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आपसी व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार विश्व व्यापार का सिर्फ 15%, जिसे 500 अरब डॉलर तक ले जाने की अपील की गई है। 21वें दौर की बातचीत के बाद दोनों पक्षों के आधिकारिक बयान के मुताबिक भारत और चीन ने सीमा विवाद के जल्द निपटाने के लिए बातचीत को तेज करने और मामले में प्रगति का संकल्प लिया। दोनों अधिकारियों ने सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए दोनों देशों की सेनाओं के परस्पर सहयोग और आपसी रिश्ते सुधारने पर भी जोर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तुलना करते हुए कहा कि कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। बाल दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 4 महीने सत्ता में आए हुए थे, मंगलयान ऐसे भेज रहे थे जैसे उन्होंने ही जादू से तैयार किया हो। अशोक गहलोत ने कहा कि जादूगर तो मैं हूं और ये जादू करने चले थे,
गहलोत ने कहा कि आरएसएस के लोग गाय माता की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 सालों तक जेल में रहे और 17 साल प्रधानमंत्री रहे, उनकी वजह से ही आज देश में लोकतंत्र स्थापित हो पाया है। साथ ही उन्होंने आरएसएस के लोग के लिए कहा कि देश को तोड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा हमला पंडित नेहरू पर करते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के एक्टिविस्ट अब्दुल जफार का गुरुवार देर रात निधन हो गया। अब्दुल ने गैस त्रासदी के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। इस त्रासदी में अब्दुल जब्बार ने अपने माता पिता को भी खो दिया था, साथ ही उनके फेफड़ों और आंखों पर भी गंभीर असर पड़ा था। अब्दुल जब्बार कई दिनों तक बीमार चले, निधन से एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने उनके इलाज का खर्च उठाने का ऐलान कर दिया था। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और एयर इंडेक्स बेहद गंभीर स्थिति में जा पहुंचा है। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 4 से 15 नवंबर तक ऑड इवन योजना लागू करने का फैसला लिया था। राजधानी दिल्ली में ऑड इवन नियम आज आखिरी दिन रहा। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए स्कीम को आगे बढ़ाए जाने के आसार नजर आने लगे हैं। इसके संकेत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिए थे। उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ने पर ऑड इवन को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसे लेकर दिल्ली सरकार आज अहम फैसला भी ले सकती है। आज भी राजधानी दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा। द्वारका इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के पार दर्ज किया गया। आईसीएआई ने सीए फाइनल, इंटर और फाउंडेशन के कई एग्जाम्स की डेट्स बदल दी है। आईसीएआई ऑफिशियली वेबसाइट पर नई डेट से जुड़े नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक आईसीएआई ने सीए फाउंडेशन, फाइनल और इंटरमीडिएट या फिर आईटीसी की परीक्षा की तारीख बदली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नई कैबिनेट का गठन हो गया है। नए बनने वाले मंत्रियों में 6 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर ली है। पिछली सरकार में 5वें नंबर पर रहे अनिल विज का कद वर्तमान सरकार में बढ़ चुका है। अनिल विज को सरकार ने गृह विभाग के साथ साथ 7 महत्वपूर्ण विभाग सौंपे हैं। कंवरपाल गुर्जर को शिक्षा, मूलचंद शर्मा को खनन विभाग सौंपा गया है। निर्दलीय विधायक रंजीत सिंह बिजली महकमे के कमान संभालते नजर आएंगे। बीजेपी ने अपने 8 मंत्री बनाए हैं, जबकि एक एक पद जेजेपी और निर्दलीय के खाते में आया है। मनोहर की कैबिनेट में कुल 8 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री शामिल हो गए हैं। नूह जिले के कस्बा पिनगवा में लोग गंदगी में जीने को मजबूर हैं। कॉलोनी में जमा गंदे पानी के कारण लोगों को कई तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। इन लोगों का कहना है कि उनकी इस समस्या के लिए कोई सुनने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने सरपंच, डीसी, विधायक से नाला बनवाने की गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। ऐसे में ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पंचायत और प्रशासन ने जल्द ही गंदे पानी की निकासी का इंतजाम नहीं किया तो हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा में गृहमंत्री बनने के बाद अनिल विज ने अम्बाला छावनी के सदर बाजार चौक पर अपने दोस्तों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। अनिल विज ने कहा कि अगर कहीं भी कमी दिखती है तो उसे दुरुस्त करने के लिए आदेश भी जारी किए जाएंगे। अनिल विज ने कहा कि मेरी चेतावनी वहीं स्टैंड करती है, जो लोग काम नहीं करना चाहते वो बीआरएस ले लें। गोहाना के गांव चिचराना से आत्महत्या का एक मामला सामने आया है, जहां कल देर शाम एक 10वीं क्लास के छात्र अपने पिता के लाइसेंस से रिवॉल्वर से अपने सिर में गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सनी कल घर में अकेला था और घर के सभी सदस्य खेत में धान की कटाई करने गए थे, लेकिन जब शाम के समय परिवार के सदस्य घर पर लौटे तो दो बहनों में इकलौता सनी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा मिला। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों की छानबीन कर रही है। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला महेंद्रगढ़ के केंद्रीय विश्वविद्यालय पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने स्कूल के एडमिन ब्लॉक का उद्घाटन किया। प्याज टमाटर समेत सब्जियों के रेट बढ़ने से आम नागरिक और गृहणियां परेशान हैं। ग्राहकों का कहना है कि जहां वो पहले घर के लिए कई किलो प्याज खरीदते थे, वहीं अब आधा किलो खरीदने पर मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि सभी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ रहा है, जिससे उनका घरेलू बजट खराब हो रहा है। पानीपत में प्रदूषण के चलते पिछले 15 दिनों से लगभग 12,000 इकाइयां बंद पड़ी हैं, जिसके कारण 5,00,000 मजदूर बेरोजगार हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से इन मजदूरों के चेहरे पर खुशी लौट आई है।
राज्य मंत्री मनोहर लाल ने एग्रो इंडस्ट्रीज को राहत देते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से शुरू करने का आदेश जारी कर दिया। लगभग पानीपत के सिर्फ 50% एग्रो इंडस्ट्रीज शुरू होने से उद्योगपति और मजदूर काफी खुश नजर आए। गोहाना के कटवाल गांव में एक 28 साल की महिला का शव नहर में पड़ा मिला। पुलिस जांच में पता चला कि महिला का शव 2 दिन पुराना था। पुलिस महिला की पहचान के लिए आसपास के गांव में पूछताछ कर रही है। वहीं 2 दिन तक नहर में शव रहने के कारण महिला की पहचान करने में मुश्किल आ रही है। रेवाड़ी के मॉडल टाउन में जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से सीवरेज लाइन डालते समय पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से बनाई गई स्लैब कुछ ही समय में टूट गई है, जिसके बाद लगातार निर्माण कार्य में प्रयोग की गई सामग्री पर सवाल उठने लगे हैं। विभाग के सुपरवाइजर सोमनाथ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि खुदाई के दौरान मिट्टी डालने की उनके पास जगह नहीं थी, इसलिए नाले के ऊपर जेसीबी से मिट्टी रखी जा रही थी। इसी दौरान नाले की छत नीचे बैठ गई। कुरुक्षेत्र में एक युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने कुरुक्षेत्र के 3rd गेट पर जाम लगा दिया। परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या की गई है, लेकिन पुलिस मामले की कार्रवाई नहीं कर रही। परिजनों का यह भी कहना है कि पुलिस हत्या के मामले को एक्सीडेंट बताकर मामले को रफातफा करने में जुटी है, जिसके बाद परिजनों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने परिजनों के बयान पर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है और जल्द ही इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। सुहाना के गांव डागरा में पत्नी की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी सेना के जवान को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मृतका के परिजनों ने आरोपी जोगेंद्र पर दहेज और अन्य आरोप लगाए थे, जिस आधार पर पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी जोगेंद्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिलहाल आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड कर लिया गया। रेवाड़ी के गांव सीहा में 35 साल की महिला ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। हालांकि अभी तक महिला की आत्महत्या के पीछे कारण का खुलासा नहीं हो पाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि महिला कई दिनों से अपने पारिवारिक जीवन को लेकर परेशान चल रही थी। रेवाड़ी के बावल में पुलिस ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल 11 नवंबर की शाम जब छात्रा ट्यूशन के लिए जा रही थी, तभी कुछ बदमाशों ने छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने छात्रा की शिकायत के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी तक 1 आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। हांसी में प्रदूषण बढ़ने के कारण लगातार हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर जा पहुंची है। प्रदूषण का आलम यह है कि PM 2.5 का लेवल 477 तक जा पहुंचा। प्रदूषण के चलते सांस और दिल से संबंधित मरीजों को लगातार इस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण के कारण अस्पताल में आंखों में जलन और सांस से संबंधित मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा मास्क का इस्तेमाल करें और घर से बाहर निकलने से भी बचें। चरकीदादरी के वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कैंटीन में भीषण आग लग गई है। इस दौरान लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए कैंटीन में पड़े सिलेंडर को बाहर निकाला, जिसके बाद बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग कैसे लगी यह अभी तक पता नहीं चल सका। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए खाद्य पदार्थों से जुड़े कारोबारियों के लिए नियमों पर सख्ती करते हुए फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन यानी FOTC को लागू करने का ऐलान कर दिया है। यानी प्रदेश के हर फूड बिजनेस ऑपरेटर से जुड़े कारोबारी को इस योजना के तहत ट्रेंड और सर्टिफाइड होना अनिवार्य हो जाएगा। इस योजना के तहत 4 घंटे की ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। सर्टिफिकेट 2 साल तक मान्य भी रहेगा। ऐसा नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट के लिए सेक्टर 16 स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल के ग्राउंड फ्लोर पर यह व्यवस्था की गई है। रजिस्ट्रेशन के 3 महीने के अंदर हर कारोबारी को ट्रेनिंग लेनी होगी। जिसके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा वो कारोबार नहीं कर सकेगा और सरकार सख्त कार्रवाई भी करेगी। कुंडली मानेसर परवल एक्सप्रेसवे के पास मिट्टी का ढेर झोपड़ी पर गिरने से किसान और महिला मजदूर की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने दोनों को मलबे से बाहर निकाला। इधर मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बरोटा चौकी पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल मामले की जांच चल रही है।
बल्लभगढ़ के सरूरपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक तेंदुए के घुसने से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम तेंदुओं को पकड़ने की कवायद में जुटी रही। गुरुग्राम में नगर निगम ने अपने अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल नगर निगम ने 70 के आसपास अधिकारी और कर्मचारियों को घर का रास्ता दिखा दिया। काम में लापरवाही बरतने को लेकर नगर निगम कई दिनों से इन्हें निकालने की तैयारी कर रहा था। पिछले साल नगर निगम ने 3 दोस्तों की टीम बनाई थी, जिसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट, डिफेसमेंट, कोडिंग और पॉलिथिन विभाग शामिल था। अधिकारियों और कर्मचारियों ने किसी भी विभाग में संतोषजनक काम नहीं किया, जिससे नाराज नगर निगम ने लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों की लिस्ट बनाकर सभी को बाहर निकाल दिया। निकाले गए अधिकारियों में एक दर्जन जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर, मल्टीटास्क वर्कर शामिल थे। बताया जा रहा है कि इन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से नगर निगम को 1 करोड़ का नुकसान हुआ। यमुनानगर में डिफेक्टिव स्टाफ को एक अहम कामयाबी हासिल हुई है। राहगीरों के साथ लूटपाट करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाश अब तक 8 घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। दर्जन में कॉलेज छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रदेश के सीएम ने कॉलेज को शिफ्ट करने की बात की थी, जिसके बाद लगातार इस काम में देरी हो रही है। बच्चों की पढ़ाई सही तरह से नहीं हो पा रही। छात्रों का कहना है कि हमारे डिप्टी सीएम से बात हुई है। उनका कहना है कि हमारे शिफ्टिंग का कार्य प्रगति से चल रहा है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हम इस काम में देरी क्यों कर रहे हैं। गोहाना में एक किसान ने धान की फसल झाड़ने के लिए हाथ से मशीन तैयार की है। बता दें कि किसान 4 साल से इस मशीन को बनाने के लिए मेहनत कर रहा था। किसान की ओर से बनाए गए इस मशीन के बाद किसानों को अब पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान सत्यवान ने बताया कि वो अपनी पराली को खेतों से हटाने के लिए इसी मशीन का इस्तेमाल करता है। हरियाणा के कई शहर गैस चैंबर में तब्दील हो चुके हैं। हरियाणा के 8 शहरों में हवा बेहद खतरनाक हो चुकी है। फरीदाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम, पानीपत, झज्जर जिले में 15 नवंबर तक सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक हरियाणा के 11 शहरों का XQI 400 से ज्यादा पर मिला। भिवानी, सिरसा, रोहतक और पानीपत का XQI घटकर 400 के नीचे आ गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी है। क्रिकेट के इतिहास में 15 नवंबर बेहद खास रहा है। इसी दिन ठीक 30 साल पहले 16 साल 205 दिन के एक लड़के ने कराची के नेशनल स्टेडियम में टेस्ट पदार्पण किया था। उस वक्त वो मुश्ताक मोहम्मद और आकिब जावेद के बाद सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाला तीसरा टेस्ट क्रिकेटर था। सचिन रमेश तेंदुलकर ने विश्व क्रिकेट में अपनी अमिट छाप छोड़ी। कीर्तिमानों की झड़ी लगाते हुए सचिन ने कुल 200 टेस्ट मैच खेले। 24 साल के करियर के दौरान सचिन ने टेस्ट क्रिकेट में 53.78 औसत से 15,921 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 51 टेस्ट शतक और 68 अर्धशतक जमाए। आर्टिकल 370 के हटने के बाद पहली बार कश्मीर पर एक फिल्म बनने जा रही है। फिल्म का नाम कश्मीर द फाइनल होगा। इस फिल्म के एक गाने को हाल ही में अटलांटिक फिल्म्स ने जम्मू में हो रहे फंक्शन में लॉन्च किया। ये हिंदी और कश्मीरी भाषा में फ्यूजन किया गया है और एक खूबसूरत सॉन्ग है। फिल्म के जरिए सेक्शन 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर की प्रैक्टिकल उपायों पर नजर डालने की कोशिश की जाएगी। युवराज ने कहा कि हमारी फिल्म का आइडिया है कि हम कश्मीर के पूरे कल्चर को दुनिया के सामने दिखाएं और ये भी दिखाएं कि कैसे कश्मीर विश्व का एक और स्विट्जरलैंड बन सकता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर पिछले 4 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। वायरल और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें बीच क्रेनी अस्पताल में भर्ती किया गया। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए फैंस और सेलेब्स लगातार दुआ कर रहे हैं। शुभचिंतकों की इन्हीं दुआओं की बदौलत लता मंगेशकर की तबीयत में अब सुधार आ गया है। बीती रात लता मंगेशकर के ट्विटर अकाउंट से उनकी हेल्थ को लेकर जानकारी साझा की गई। ट्वीट में लिखा गया, लता दीदी की हालत अब स्थिर है और वो रिकवर कर रही हैं। आप सभी की प्रार्थनाओं और चिंता के लिए धन्यवाद करते हैं। जिस तरह से लता मंगेशकर की तबीयत में सुधार हो रहा है, प्रशंसकों को उम्मीद है कि वो जल्दी अस्पताल से घर लौट आएंगी। इसी के साथ सुपरफास्ट सनेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।